बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये मैं सुबह सुबह बाहर आया था अपने इधर इस साइड पे। ये बतखें वगैरह मैंने ही रखी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। लेकिन मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहने की वजह से जब भी मैं इधर आता हूँ, क्यों ये मालिकान के साथ काफ़ी प्यार करती हैं, मालिक को कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन रखी मैंने हैं, लेकिन मैं काफ़ी अर्सा बाहर रहने की वजह से ये जब भी मैं आता हूँ तो ये मुझे यहाँ रुकने नहीं देती हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। खरगोशों का भी अंदर किया हुआ है, मुर्गियाँ भी अंदर हैं कि खरगोशों ने बच्चे भी दिए हुए हैं, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत से हैं, छोटे छोटे से। तो अभी उनको खोलते भी नहीं हैं, थोड़ा सा अंदर ही रहेंगे, फिर जब चारा वगैरह आता है उस वक्त खोलते हैं इनको कि वो चारा वगैरह खा लेती हैं। रास्ते में अभी किचन में खड़ा हूँ, वो सालन वगैरह तैयार कर रहा था आप दोस्तों के लिए भी, क्यों काफ़ी टाइम हो गया था पकाते हुए, तो मैंने कहा आप दोस्तों से भी ये शेयर करते हैं। देखें ये सालन पक रहा है, अभी कच्चा है, ये पका रहे हैं। तकरीबन 7:45 बजे तक पहुंचा था मैं इधर, क्यों रास्ते में कुछ तंगी हुई थी मुझे गाड़ी साई वाला के, वो गाड़ी वाले जो करते हैं अपनी जो आदत से मजबूर होते हैं, वो उन्होंने किया कि सवारी आगे भेज देते हैं, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी मुझे। फिर मैं जो अगली गाड़ी में बैठा था, फिर वो भी काफ़ी टाइम से निकली थी, तो इधर गैम्बर के पास आके रोड ब्लॉक था, तो जिसकी वजह से उधर भी मुझे आधा पौना घंटा लगा है, ट्रैफिक जाम थी, तो उसकी वजह से मुझे आधा पौना घंटा लगा उधर निकलने पे, तो इसी वजह से कुछ टाइम ज़्यादा लगा। तो अल्लाह के फजल करम से रात तकरीबन 7:45 बजे तक पहुंच गए थे हम। तो अभी भी हमारा कुछ प्रोग्राम है, कुछ सामान लेने जाना है मैंने, तो बस वो उसकी तैयारी करते हैं, अभी वो लेने चलेंगे, क्यों मेरे दूसरे चैनल का कुछ सामान अभी रहता है, मैंने पहले भी बताया था ऐसा ऐसा पूरा कर रहे हैं, क्यों अभी चैनल नहीं बनाया मैंने, क्यों पहले सामान पूरा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, 2-3 वीडियो बना के फिर चैनल बनाएंगे, तो अभी बस एक चीज़ रहती है वो लेके आएंगे, तो वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे क्या चीज़ है, वो बस आखिरी स्टेप है हमारा, वो पूरा करने के बाद हम फौरी से वीडियो भी बनाएंगे अगले चैनल की। कहाँ से निकाल रही है ये धागे,
क्या है जी, किधर से निकाल रहे? कहाँ से? इधर से। मम्मा किधर गई है? आजा साइकिल चलाए। मैंने बताया था मैंने बाज़ार जाना था, वो जो एक चीज़ रहती है वो लेके आनी थी, लेकिन अभी ना मुझे बाइक मिली है और ना जाने का मूड अचानक से ख़राब हुआ है। क्यों बाहर निकला हूँ तो मौसम काफ़ी ठंडा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, और जाने का भी दिल नहीं किया अभी, तो बाइक भी नहीं मिल रही है, बाइक घर में है ही नहीं है, दो है दोनों बिजी थी, तो इसी वजह से मेरा मूड नहीं बना अभी। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करेंगे, क्यों अगर वो लेके आया तो अगली वीडियो में लाजमी दिखाएंगे आप दोस्तों को और वो क्या था। तो अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ, क्यों अगर बाइक मिलती तो फिर जाता, तो बस अपनी कोई चीज़ नहीं है, बाइक वगैरह मामू की है तो वो उनको खुद भी ज़रूरत होती है, इसलिए लेना मुश्किल होती है। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।